Hello everyone, this is Aprajita from eVidyarthi.in and let's start the question answers of your chapter number 4 agriculture from your book geography. चलिए question answers को जल्दी से start कर लेते हैं. Exercise पे आते हैं. Question number 1 है हमारा what is agriculture. बहुत साधारण सा question है. Agriculture वही है जिसमें crops उगाते हैं, fruit, vegetable, plantation सब कुछ करते हैं. Agriculture भी बहुत सारे major सब टॉपिक्स भी होते हैं. साथ ही साथ एग्रीकल्चर इसलिए करा जाता है जिससे ग्रोइंग पॉपुलेशन की नीड्स को हम क्या कर पाए, मीट कर पाए और उन्हें फुलफिल कर पाए. एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है. एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स. क्रॉप्स की कल्टीवेशन होती है, फ्रूट की होती है, वेजिटेबल्स की भी होती है एंड फ्लावर्स भी उगाए जाते हैं एंड रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक. लाइफ स्टॉक क्या होता है? लाइफ स्टॉक का मतलब है एनिमल्स. एनिमल्स को ही लाइफ स्टॉक बोला जाता है. ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बात आ रही है, नेम द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर. ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन का एक सब पार्ट है. सेकंड पॉइंट है नेम द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर. ऐसे फैक्टर्स बताने हैं जो एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं. फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर इंक्लूड्स टोपोग्राफी ऑफ द सॉइल एंड क्लाइमेट. अगर एग्रीकल्चर के अंदर क्या होता है, क्रॉप होता है, एक पर्टिकुलर क्रॉप को समझ लीजिए वीट है. वीट को क्या, वीट को टोपोग्राफी कैसी चाहिए, वीट को सॉइल कैसा चाहिए, एलुवियल सॉइल चाहिए. ठीक है, कॉटन को कैसा चाहिए, ब्लैक सॉइल चाहिए, फिर उसको भी एलुवियल चाहिए. तो सारे सॉइल को अलग अलग टोपोग्राफी चाहिए. किसी को मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए तो किसी को ठंडा क्लाइमेट चाहिए, किसी को ह्यूमिडिटी चाहिए. तो बेसिकली डिपेंड करता है टोपोग्राफी और सॉइल पे, क्या एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन. ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड वाला इसी का सब पॉइंट आ जाता है, व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेजेस. तो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन की, उसमें लैंड इरोजन हो जाता है, लैंड का डिग्रेडेशन हो जाता है. बेसिकली लैंड को जला देना अच्छी बात नहीं होती है. सो इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं हम. द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इन विच अ प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर बाय कटिंग द ट्रीज एंड बर्निंग देम. एक पर्टिकुलर प्लॉट होता है, उसके अंदर जितना भी वेजिटेशन होता है उसको काट दिया जाता है, उस लैंड को जला दिया जाता है और एशेस को, जो राख होती है, उसको सॉइल के साथ मिलाया जाता है एंड देन वहां पे सीड्स डाल दिए जाते हैं. जो किसी भी क्रॉप आपको उगाना है उसके सीड्स डाल दीजिए, बहुत अच्छी फसल होती है क्योंकि जो एशेस होते हैं वो फर्टाइल कर देते हैं सॉइल को. तो इसीलिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन करा जाता है. ठीक है, तो बेसिकली इट इन्वॉल्व्स डीफॉरेस्टेशन. पहली बात तो ये इसका पहला डिसएडवांटेज और डीफॉरेस्टेशन ही आ जाता है. आप प्लांटेशन को काट दे रहे हैं, आप पेड़ पौधों को काट रहे हैं तो डिफॉरेस्टेशन आ जाएगा. ठीक है, बर्निंग ऑफ ट्रीज. अब आप पेड़ जो जलाते हैं उसे कितना ज्यादा पॉल्यूशन होता होगा, दूसरा डिसएडवांटेज आ जाता है. ठीक है, दस इट इज नॉट गुड फॉर आर एनवायरमेंट. शिफ्टिंग कल्टीवेशन इसलिए हमारे एनवायरमेंट के लिए सही नहीं है. लिमिटेड अमाउंट में करनी चाहिए लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं करनी चाहिए जिससे आगे जाके बहुत ज्यादा एनवायरमेंट को हानि पहुंचे. फिर आ जाता है हमारा फोर्थ वाला इसी का सब पॉइंट, व्हाट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर. प्लांटेशन हमने पढ़ा था हमारे टॉपिक में, भाई बहुत इजी था ये. मतलब है इसका प्लांटेशन मतलब एक सिंगल क्रॉप की प्लांटिंग होती है और पूरा का पूरा लैंड सिर्फ एक सिंगल क्रॉप का होता है. बनाना ले लीजिए, ट्री ले लीजिए, बनाना हो गया, टी हो गया, कॉफी हो गया, इन सब की प्लांटेशन होती है, रबर प्लांटेशन भी होती है. ठीक है, सो वेयर ओनली सिंगल क्रॉप लाइक टी, कॉफी, शुगर केन, कैश्यू यानी कि काजू, रबर, बनाना और कॉटन इज ग्रोन. ठीक है, मतलब कि सिंगल क्रॉप ही ग्रो होता है प्लांटेशन के अंदर. ठीक है, एंड देन प्लांटेशन के पास हमेशा नियर फैक्ट्री जरूर होती है जहां से वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चर होने चला जाता है वो सारे के सारे गुड्स. ठीक है, फिर क्या होता है, फिर इसका फिफ्थ पार्ट आ जाता है, नेम द फाइबर क्रॉप एंड नेम द क्लाइमेट कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ. यानी कि ऐसा कोई फाइबर क्रॉप बताइए जिसको कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड होती है उसकी ग्रोथ के लिए. तो चलिए बात करते हैं फाइबर क्रॉप की. तो फाइबर क्रॉप आ जाता है जूट एंड कॉटन. जूट एंड कॉटन आर द टू फाइबर क्रॉप. जूट को गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है. ठीक है, सो इनटू जूट ग्रोज वेल ऑन एलुवियल सॉइल. जूट एलुवियल सॉइल में बहुत अच्छा ग्रो होता है और हाई टेम्परेचर चाहिए होता है और हैवी रेनफॉल चाहिए होता है. ठीक है, सो यहाँ पे अगर हमें लिखना हो तो हाई रेनफॉल, ठीक है, बताया यहाँ पे हाई टेम्परेचर और ए लिख देते हैं यानी कि एलुवियल सॉइल.
ठीक है, और फिर क्या बात आ रही है, कॉटन की बात आ रही है, तो कॉटन को क्या चाहिए होता है, नीड्स हाई टेम्परेचर, जैसे इसको चाहिए होता है हाई रेनफॉल, और इसको ब्राइट सनशाइन भी चाहिए होता है, और 210 फ्रॉस्ट डेज भी चाहिए होते हैं फॉर इट्स प्रॉपर ग्रोथ। तो ये दो है जूट एंड कॉटन, कौन से फाइबर क्रॉप्स को बोला जाता है, फाइबर क्रॉप्स कॉटन भी आता है, जूट भी आता है। फिर क्या आता है, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड आ जाता है, टिक दी करेक्ट आंसर आ जाता है, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मीन्स क्या होता है, हॉर्टिकल्चर ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, प्रिमिटिव फार्मिंग, ग्रोइंग ऑफ व्हीट। ठीक है, तो इनमें से क्या होगा, ऑब्वियसली फर्स्ट वाला होगा ग्रोइंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, ग्रोइंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को हॉर्टिकल्चर बोला जाता है। ठीक है, फिर इसका सेकंड वाला आ जाता है गोल्डन फाइबर। इससे पहले मैंने आपको बताया था गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है, कॉटन को तो नहीं कहा जाता, टी को भी नहीं कहा जाता, तो इसको मैंने अभी जस्ट आपको बताया था। सो इसका बेसिकली होगा जूट, जूट को गोल्डन फाइबर बोला जाता है। ठीक है, फिर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉफी, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी ऑब्वियसली ब्राजील ही होगा, इंडिया नहीं है, रशिया भी नहीं है, भाई इंडिया में टी ज्यादा उगता है, श्रीलंका में टी ज्यादा उगता है, लेकिन कॉफी प्रोड्यूसर तो सबसे बड़ा भाई ब्राजील ही है। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री में, गिव रीजंस। पहले वाले में आता है इंडिया एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी, एग्रीकल्चर इज एन एक्टिविटी ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स, फूड वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। ऑब्वियसली यहाँ पे ये बोला गया है कि प्राइमरी एक्टिविटी का क्या है और आप उसको रीजन कैसे देंगे, तो ऑब्वियसली आपको यही बोलना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या होता है प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर, एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स, ये सब कुछ प्राइमरी एक्टिविटी में आ जाता है। ठीक है, एनिमल आ जाता है और फ्लावर का आ जाता है, वेजिटेबल, ये सब जहां उगाया जाता है बेसिकली, सिर्फ उगाने का काम है और उसको निकालने का, एक्सट्रैक्ट करने का, हार्वेस्ट, फ्लावर, ये सब प्राइमरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं इसी के सब पॉइंट में, सेकंड क्वेश्चन के सब पॉइंट कर रहे हैं हम, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन्स। जी हाँ, डिफरेंट क्रॉप्स तो अलग अलग रीजन्स में होते हैं, किसी को मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए, किसी को ह्यूमिडिटी चाहिए, तो किसी को बहुत ज्यादा ठंडा क्लाइमेट चाहिए। सो ऐसे ही होता है, the growing crops depends on a lot of factors, climate, rainfall, humidity, etc. are important factors. ठीक है, फिर an absence of certain condition, अगर किसी भी particular condition, अब example ले लेते हैं, एक particular wheat ले लेते हैं, अगर मैं wheat को black soil में उगाऊं तो क्या वो बढ़िया उगेगा? आई थिंक नहीं उगेगा बढ़िया, उसको ब्लैक नहीं, उसको एलुवियल देना पड़ेगा। ठीक है, सो वीट को एलुवियल सॉइल ही चाहिए, अगर इनमें से एक भी हमने गलत करा, हमने टोपोग्राफी में, ह्यूमिडिटी में, रेनफॉल में, किसी भी चीज में गलती करी, तो शायद वो क्रॉप खराब हो जाए, शायद वो क्रॉप उगे ही ना। ठीक है, इट मे नॉट बी पॉसिबल टू ग्रो अ सर्टेन क्रॉप, सो द डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन। हर एक क्रॉप को अपनी हर एक अलग विशेषता चाहिए होती है। अगर आप बर्फ उगाने जाएंगे तो क्या वो फ्रीजर में ही उगेगा ना, गरम गरम कढ़ाई में तो बनाया जाएगा ही नहीं ना वो। सो बर्फ टोटली रेफ्रिजरेटर में ही बर्फ बनेगा, और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हर चीज को एक अलग अलग विशेषता चाहिए होती है भाई, उसको दे देना चाहिए वो चीज, अदरवाइज वो ढंग से काम नहीं करेगी। ठीक है, सो फिर आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर आ जाता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। ये क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी आ जाता है और आ जाता है सेकेंडरी एक्टिविटी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, लेकिन आपको सिर्फ प्राइमरी एंड सेकेंडरी में ही डिस्टिंग्विश करना है। तो कभी कभार ऐसे आ जाता है, कभी कभार एग्जाम्स में डिस्टिंग्विश आ जाता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। सो ये कम से कम आई थिंक फोर मार्क्स का तो होगा ही होगा, सो इसको जरा करते हैं। ठीक है, एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व डायरेक्ट एक्सट्रक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड प्राइमरी एक्टिविटीज। सबसे साधारण सी बात है, जहां पे एक्सट्रैक्शन प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट, लाइफ स्टॉक मतलब एनिमल्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर, इन सब का कोई काम धाम जो होता है ना, वो सब प्राइमरी में होता है। जोतना, प्लाव करना, सोइंग करना, हार्वेस्ट करना, सब कुछ होता है भाई प्राइमरी, प्राइमरी एक्टिविटीज में, जो है पहला स्टेप एग्रीकल्चर का। ठीक है, अब पढ़ते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या होता है, जितनी भी चीजें है ना, फ्रूट आ जाता है, एनिमल आ जाता है, एनिमल तो नहीं, एनिमल का मीट आप ले सकते हैं, एनिमल का मीट आ गया, फ्रूट आ गया, फ्लावर आ गया, ये सारी की सारी चीजें मैन्युफैक्चर होती हैं,
उसके ऊपर एक बार कोड लगता है, उसके ऊपर एक पॉलिथिन लगती है, सब कुछ यू नो एक तरीके से पैक पुक होके वो कहाँ जाता है, बिग बाजार में इसी डे में, तो मैन्युफैक्चर करने का काम इस सेकेंडरी को मिलता है। एक्टिविटीज विच आर कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज का प्रोसेस करने का काम किसका आ जाता है, सेकेंडरी का आ जाता है, सेकेंडरी एक्टिविटीज। ठीक है, फिर इसका सेकेंड पॉइंट भी कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्या लेंगे हम, एग्रीकल्चर ले लेंगे, फिशिंग ले लेंगे, गैदरिंग ले लेंगे। ठीक है, अब और सेकेंडरी एक्टिविटीज ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज है, इंडस्ट्री, बेकिंग ऑफ ब्रेड। अब अगर वेजिटेबल्स की बात हो तो वेजिटेबल्स वहां जाकर क्या होगा, वेजिटेबल्स वहां जाके पैक होगी और यहाँ से मैदा आएगा, यहाँ से मैदा आने के बाद यहाँ पे ब्रेड बनेगा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में ब्रेड बनेगा, यहाँ से दूध आ जाएगा तो यहाँ पे दूध से मक्खन बनेगा, भाई मलाई बनेगी, दही बनेगा। तो ये सब फैक्ट्री में जो जो चीजें उसको अरोड़ मरोड़ की बढ़िया सी चीज बनानी जाती है, उसी को आप कह सकते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी। ठीक है, इसी के साथ हमने सारे सारे क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं, उम्मीद है आपको क्वेश्चन आंसर समझ आए होंगे। और सभी रिलेटेड हेल्प पाने के लिए e-vidyarthi.in की वेबसाइट पे जाइए, वहां पर सैंपल क्वेश्चन, ई बुक्स एंड प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, एमसीक्यू सब कुछ उपलब्ध है, हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम में भी। ठीक है, सो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी इससे स्टडीज। ठीक है, सो मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ, टिल देन अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।